दिल्ली के लोग दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था समझते हैं, लेकिन आज इस संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन दिल्ली के एलजी साहब खुद कर रहे हैं। मैं फिर से एलजी साहब को याद दिलाना चाहूंगी कि आपके पावर में सिर्फ और सिर्फ तीन एरियाज आते हैं, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस। और अभी की परिस्थिति में, क्योंकि एमसीडी डायरेक्टली केंद्र सरकार चला रही है और आप केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, तो इन तीन अधिकार क्षेत्रों के साथ हम एक चौथा अधिकार क्षेत्र भी जोड़ सकते हैं, वो है एमसीडी। लेकिन पानी की व्यवस्था करना दिल्ली की चुनी हुई सरकार का काम है, बिजली की व्यवस्था करना दिल्ली की चुनी हुई सरकार का काम है, स्कूल को ठीक करना दिल्ली की चुनी हुई सरकार का काम है, अस्पताल को ठीक करना दिल्ली की चुनी हुई सरकार का काम है। और अगर एलजी साहब अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में दखल डालेंगे, तो एक बार तो इंसान ये मान सकता है कि गलती हो गई, लेकिन अगर बार बार वो दखल डालेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, कि वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार जिसको दिल्ली की जनता ने चुन के भेजा है उसके अधिकार क्षेत्र का हनन कर रहे हैं, और वो लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने एक चुनाव के माध्यम से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार को चुन के भेजा है।